ये कमेटी ने यह भी बुनियाद बनाया कि यूं ही एक किसी को भी चलते जो सिर्फ बोल वचन करे, सिर्फ भाषण करे और उनको ही ये सौंप दिया गया, ऐसा नहीं। कमेटी के अंदर वही मशमूलात हैं, वही पॉइंट हैं जो आसिफ शेख रशीद की सलाहियत और उनकी ताकत, उनकी फिक्र, उनके रुझानात, उनका जहन जो कबूल करे और जिसके ऊपर वो मेहनत कर सके और जिसके ऊपर वो 100% कामयाब भी हो सके। कमेटी के जिम्मेदारान के साथ साथ शहर की आवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी ड्रॉप कमेटी दे रही है और मेरा सियासी मुस्तकबिल तय होने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जिस तरीके से 2014 से 19 तक मैं शहर के लिए विकास डेवलप किया, मैं कुछ नहीं रहते हुए, कोई ओहदे पे नहीं रहते हुए भी इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि मुकम्मल काम हो जाए। से कहते हैं बहुत सारे लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड बना लेते हैं, बराबर बांट देते हैं और उसके बाद ठेला इस्तेमाल करके फेंक। देखिए सच सच्चाई के साथ। के तमाम मेंबरान और जनाब साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब, इस शहर के सियासी पस मंज़र में 8 फरवरी को आसिफ शेख रशीद साहब ने एक इनकलाबी फ़ैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया कि वो कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस इस्तीफे के बाद पूरे शहर में एक तरह की बेचैनी, आसिफ शेख रशीद साहब की तामीरी जहनियत को सामने रख कर के नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, शहर के तालीमी हलकों में वो सारे लोग बेचैन हुए कि आसिफ शेख रशीद साहब का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने गलियों में, महलों में, शहर के मुख्तलिफ अंजुमनों और अदारों में जा कर के लोगों की राय लेना शुरू किया कि शहर की जो राय होगी उसको सामने रख कर के आसिफ शेख रशीद साहब अपनी सियासी ज़िंदगी में जो इनकलाबी कदम उन्होंने उठाया, अगला उनका कदम, सियासी कदम क्या होगा, वो उसका फ़ैसला करेंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 13 फरवरी को शहर की हर जमात, हर मसलक, हर बिरादरी, शहर के बुनकर हजरात, शहर के ताजिर हजरात, तालीमी शख्सियात और शहर के मजदूर तबके से रखने ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदा हजरात, झोपड़पट्टी और शहर के पक्के इलाकों में बसने और रहने वाले नुमाइंदा अफराद को जमा करके इसी जगह पर जहाँ ड्राफ्ट कमेटी यहाँ बैठी है, यहाँ पर एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया। लेकिन हैरत जानिए इस बात पर कि उस प्रोग्राम में जहाँ आसिफ शेख रशीद साहब ने शहर को याद किया, शहर के साइजिंग मालिकान, लूम से ताल्लुक़ रखने वाले, तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले, मेडिकल ग्राउंड पर काम करने वाले, सोशल ग्राउंड पर काम करने वाले, मज़दूरों के लिए काम करने वाले, गोया के शहर के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस मीटिंग में आना अपनी ज़िम्मेदारी समझी और यहाँ आकर के उन्होंने आसिफ शेख रशीद साहब को मुख्तलिफ राय पेश की। शहर के मुस्तकबिल के लिए आसिफ शेख रशीद साहब क्या कर सकते हैं, इसके ताल्लुक से तमाम राय आ जाने के बाद यहाँ पर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। 21 रुकनी ड्राफ्ट कमेटी बनी। उस ड्राफ्ट कमेटी ने ना सिर्फ अपने आप को महदूद रखा बल्कि शहर के तमाम शोबे जात के लोगों से मिल करके
ड्राफ्ट बनाने को अपनी जिम्मेदारी समझा। आज इस मौके पर हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आसिफ शेख रशीद साहब को हमारी ड्राफ्ट कमेटी, पूरे शहर से आई हुई राय और ड्राफ्ट कमेटी के मेम्बरान की राय और शहर के तमाम तबकात की वो जो मशवरे ड्राफ्ट कमेटी ने कबूल किए उसको एक ड्राफ्ट बना करके, एक मसौदा बना करके कि शहर के मुस्तकबिल के लिए आगे वो क्या करेंगे, इसकी तफसीलात के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे ड्राफ्ट कमेटी के सदर मोहतरम जनाब कुरैशी मुख्तार सर अपनी बात को रखें। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम ही लोगों का अरकान है कि ड्राफ्ट कमेटी की जानिब से हम इस्तकबाल करते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। ड्राफ्ट कमेटी बज़ाहिर 21 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये सिर्फ 21 लोग नहीं हैं। इन 21 लोगों ने अपने ज़िम्मे ऐसे अफराद को जोड़ा, हर एक ने इस दिनों में, ये जब से कमेटी का तश्कील दी गई तब से लेकर इसी जगह पर यहाँ पर तश्कील दी गई थी वो बहुत मुख्तसर नहीं थी, ये खचाखच भरा था। आप लोगों ने भी देखे और हर शोबे के लोग थे, उसके अंदर एक कमेटी तैयार हुई, उसके अंदर सदर की हैसियत से नाचीज को मुंतखिब किया गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानने और समझने वाले और मशवरा देने वाले और सरगर्म अफराद ने शहर में जा करके अपने लोगों से, अपने मुतालिकीन से और हर शोबे के लोगों से वो तासुरात लिए। नीज़ इसी तरीके से आसिफ शेख साहब ने जो मुख्तलिफ मीटिंगें ली, जलसे लिए, उन जलसों में जितने मशवरे आए कि कौन सी पार्टी में जाना चाहिए और वो मशवरों की बुनियाद क्या थी, बुनियाद सिर्फ तरक्की तरक्की, शहर की तरक्की, हर शोबे में तरक्की, यही उसका बुनियाद थी और इसी बुनियाद पर सब मशवरे आए। उन मशवरों को भी शामिल किया गया, बल्कि उन मशवरों को ज़्यादा अवलियत दी गई। अब इस कमेटी के अंदर जो सिफारिशात की गई हैं वो 15 नुकात पर मुश्तमिल हैं, लेकिन वो 15 नुकात जो हैं वो एक नुकात मामूली नुकता नहीं है, मामूली पॉइंट नहीं है, वो एक ही नुक्ते को अगर आप देखेंगे, अगर वो तिब्बी मामले में है तो कई चीज़ें हैं, BUMS के ताल्लुक से, मेडिकल के ताल्लुक से, सिविल हॉस्पिटल की सहूलियात के ताल्लुक से, यानी मतलब एक नुक्ता सिर्फ एक ही नहीं है, उसमें कई चीज़ें सब। ऐसे ही अगर तालीमी मामलात लोगे तो उसमें हॉस्टल हैं, लड़कियों का हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल, उसके अंदर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कई बातें हैं। ऐसे ही तजारत का है, ऐसे ही हर चीज़ का है, ऐसे ही OBC का है और तमाम लोगों को, यानी अलग 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 शोबे के अलग अलग लोगों को कैसे तालीम के अंदर और कैसे उनको नौकरियों के अंदर उनको रियायत मिले और उनको तरक्की मिले। ऐसे 15 नुकात जो है वो 15 नुकात के ऊपर इस कमेटी ने तकरीबन 4 मरतबा यहाँ पर बैठ करके और अपने अपने तौर से दिमाग पाशी करके और यहाँ मशवरे के बाद वो कमेटी ने एक 15 नुकाती सिफारिशात तैयार की हैं। वो सिफारिशात टोटल मालेगांव शहर की तालीम और तरक्की और हर शोबे में, आप जानते हैं मैं इसलिए मुख्तसर बोल रहा हूँ, हर शोबे में कुछ बातें इन्होंने, हारून आसिफ अली साहब ने भी बताई, हर शोबे में कैसे तरक्की हो और वो तरक्की जिस पार्टी में भी ये जाएंगे, जिस पार्टी में भी आने वाले जलसे में ऐलान करेंगे, वो पार्टी ये तमाम तरक्याती प्रोग्राम पर अमल करने का अपना वादा करेगी, अपनी रजामंदी वो पार्टी जाहिर करेगी और आसिफ साहब जितना पार्ट पुरावा करेंगे उसका वो या वादा करेगी और उसके साथ साथ लग करके इस शहर की तरक्की के रास्ते खोलेगी और सारी शहर की तरक्की में रफ्तार पैदा करेगी, रफ्तार में तेज़ी लाएगी। वही पार्टी को ये मशवरा
के ज़रिए वो आगाह करेंगे कि हमारी शहर की ये काम है और इस काम को अगर आप करते हैं तो मैं आपकी पार्टी के साथ आता हूँ। वो चाहे उसको शर्त बोलो, चाहे उनको सियासी जो तौर तरीका होता है वो सियासत के लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो अपने तरीके से किस तरीके से वहाँ पर रखेंगे वो बेहतर जानते हैं। ये कमेटी ने यह भी बुनियाद बनाया कि यूं ही एक किसी को भी चलते जो सिर्फ बोल वचन करे, सिर्फ भाषण करे और उनको ही ये सौंप दिया गया, ऐसा नहीं। कमेटी के अंदर वही मशमूलात हैं, वही पॉइंट हैं जो आसिफ शेख रशीद की सलाहियत और उनकी ताकत, उनकी फिक्र, उनके रुझानात, उनका जहन जो कबूल करे और जिसके ऊपर वो मेहनत कर सके और जिसके ऊपर वो 100% कामयाब भी हो सके। अब ऐसा हमने क्यों सोचा? उसका बेस है हमारे पास, बुनियाद है हमारे पास, मालेगांव शहर के पास उसके सबूत है कि जब वो कारपोरेटर थे तब भी उन्होंने अपने वार्ड का काम किया, जब मेयर थे मेयर की हैसियत से भी उन्होंने 2.5 साल शहर का किस तरीके से काम तरक्की का होना चाहिए उसको भी सामने रखा। जब वो MLA बने तो MLA से बनने से पहले जैसे OBC का और वगैरह वगैरह बहुत सारे आपके पास है, सब रिकॉर्ड आपके पास है, उसके लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की, जितनी तड़प और जितनी दौड़ भाग की है वो उसको भी सामने रखा। 5 साल का जो MLA का पीरियड गया उस पीरियड के अंदर भी कितनी तगोदौड़ जद्दोजहद की, कितनी मेहनत की और दिन रात उन्होंने किया, एक कर दिया बम्बई मालेगांव के, और जहाँ जहाँ जिधर जाना है छोटा बड़ा हर एक से मिला और यही सब बुनियाद बना करके। और उसके बाद आज जब वो MLA नहीं है, इस पीरियड में भी उन्होंने बहुत सारे काम मुसलसल करते आ रहे हैं, बल्कि आप अगर जो लोग करीब हैं उन्हें गौर से देखा होगा तो 5 साल का जो MLA का पीरियड से ज़्यादा काम उन्होंने अभी 1.5 साल के अंदर वो मसरूफ़ रहकर कर रहे हैं। उसको बुनियाद बनाए कि यार ये शख्स कर सकता है, करेगा और उसमें कामयाबी होगी, इसीलिए ये मीटिंग के अंदर, ये कमेटी के अंदर ये तैयार किया गया और वो सौंप दिया गया है। जो ड्रॉप कमेटी 21 लोग, 4-5 मीटिंगें इन लोगों ने की, एक मीटिंग में मुझे भी इन्होंने बुलवाया था और मुझसे उन्होंने कई सवालात किए थे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कौन से काम कर सकते हो विकास का, डेवलप का, शहर को किस रास्ते पे आप ले जाना चाहते हो। कई सवालात इन्होंने किए कमेटी के जिम्मेदारान ने और उसका मैंने इनको जवाब दिया। और उसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के जिम्मेदारान ने जो ड्रॉप मेरे हाथों में दिया, मुझे सौंपा, और उन्होंने मालेगांव शहर के, जैसे मुख्तार सर ने आपको तफसील बताए कि मेडिकल लाइन हो, एजुकेशन लाइन हो, टेक्सटाइल हो, मज़दूर हो और बहुत सारे जो पॉइंट्स उन्होंने उसके अंदर ड्रॉप कमेटी ने मुझको दिए हैं, अभी मैंने तो उसको मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा, लेकिन जो उन्होंने मुझको सौंपा है ज़रूर मैं कल पूरा स्टडी करूंगा। 2 दिन मेरे पास है, 2 दिन में मैं स्टडी करूंगा और उसके बाद जो जुमा को जलसा होने वाला है उस जुमा के जलसे में बाकायदा ये मुकम्मल तौर पर आवाम की अदालत में ये सभी ड्रॉप को रखा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कमेटी ने ये अटी सर्ती के ऊपर आइंदा का लायमल जो भी शहर के आवाम की राय से हम लोग बना रहे हों उसके मुताबिक आवाम जो फैसला जो राय आई है कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊंगा उसकी तफसील तो मैं वहीं बताऊंगा, लेकिन साथ में जिम्मेदारान ने जो ड्रॉप दिया है चाहे मैं कोई दूसरी सियासी पार्टी में जाऊं उससे पहले या उन लोगों से 2-3 दिन में रब्ता करके या उन लोगों जो मेरे रब्ते में कई लोग है, कई पार्टियों के जिम्मेदारान हैं, तो वो तो मैं तफसील वहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे मैं और डिस्कस कर लूँगा। और अगर हो सके ये ड्रॉप अगर जिन लोगों से मैं रब्ते में हूँ उन लोगों तक ये पहुँचाऊँ और पहुँचाने के बाद अगर वो लोग सम्मति देते हैं तो मैं जलसे के अंदर इस ड्रॉप के ताल्लुक से भी ऐलान कर सकता हूँ।
लेकिन आवामी राय में और एक मरतबा 5 तारीख को आवाम की और राय ले लूँगा पूरे मजमे में, और उसके बाद मैं आइंदा का लायमल तैयार करूँगा। बहरहाल मैं इतना ज़रूर आप के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेटी के जिम्मेदारान के साथ साथ शहर की आवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी ड्रॉप कमेटी दे रही है और मेरा सियासी मुस्तकबिल तय होने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जिस तरीके से 2014 से 19 तक मैं शहर के लिए विकास डेवलप किया, मैं कुछ नहीं रहते हुए, कोई ओहदे पे नहीं रहते हुए भी इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मुकम्मल काम हो जाए। बहरहाल मैं ड्रॉप कमेटी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जानिब से। कहते हैं बहुत सारे लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड बना लेते हैं, बराबर बांट देते हैं और उसके बाद ठेला इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अरे ऐसा बोलो, बोलो सर, बोलो। जो हवाला आपने दिए है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वो तो बड़ा तशवीशनाक हवाला है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। लेकिन ये ड्राफ्ट कमेटी जो है, मैं तो चाहूँगा चाहे वो कमेटी के नाम से ना रहे, लेकिन ये जितने अफराद हैं इस कमेटी, इस ड्राफ्ट को, इस 15 नुकाती जो सिफारिशात है, अगर ये जो भी पार्टी से मुंसलिक हों, जब हम इनको पहले से इनको दे रहे हैं आसिफ साहब को, और ये कि भाई वो कामकाज वो पार्टी कर देगी तो ही उसमें शमूलियत करें। अब ये ज़रूरी नहीं कि 100% उसके ऊपर पूरा जल्द ही जल्द हो जाए, उसके लिए जो जैसा ऐसे वक्त दरकार होगा वैसा वैसा वो आगे अमल में आएगा। तो उसके लिए ये कमेटी फॉलो अप लेगी और लगी रहेगी उनके साथ कि ये कहाँ तक के पूरा हो रहा है, कहीं और मशवरे की बात आएगी तो इंशाल्लाह ये कमेटी एक्टिव रहेगी, कारगर रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, ये इसका हम यकीन दिलाते हैं। के पीरियड में मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन बना, यकीन जानिए 5 साल का अरसे के बाद भी जहाँ भी रिजर्वेशन की बात आती है आसिफ साहब सबको बुलाते हैं, सामने बात रखते हैं, उसके बाद अपना लाए अमल तैयार करते हैं। ये आज भी एक्टिव है, ये 5 साल की बात है।